नमस्कार दोस्तों, मेरा अगला विषय है दिमाग और एक फ़िल्टर। आपने फ़िल्टर से फ़िल्टर कॉफ़ी पिया होगा, चाय की पत्तियों को आपने फ़िल्टर से रोका होगा और चाय पिया होगा, तो आपको फ़िल्टर तो पता है। छांसते हैं हम तो सिमिलरली, हमारा जो ब्रेन है वो पूरे रियलिटी को नहीं देख पाता है, नहीं अब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया दृष्टिकोण, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ कुछ चित्रों को एक टाइम पे प्रोसेस कर पाता है। आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो है वो कोई मेमोरी को स्टोर नहीं करता है, कोई भी यादों को स्टोर नहीं करता है, वो सिर्फ़ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। आपका जो दिमाग है वो सिर्फ़ एक करंट का सर्किट की तरह, एक कंप्यूटर मदरबोर्ड की तरह है जो सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। सारे चित्र पूरे संसार में आकाश तत्व में यानी आकाशिक रिकॉर्ड्स में हैं। आप बस उसको एक टाइम पे बस उसको खींचते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर निकाल देते हैं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट एग्जैक्टली एक कंप्यूटर की तरह। आपका जो दिमाग है वो बीच का प्रोसेसिंग यूनिट है, वो ना इनपुट है ना आउटपुट है। सो जिसका फिल्टर अच्छा रहता है वो बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकता है, क्योंकि हम सिर्फ पांच सेंसेस की दुनिया में जीते हैं, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया। तो इसलिए आप बहुत ही छोटे से पिन होल्स की साइज़ में, छोटे से आपके थर्ड आई से आप रियलिटी को प्रोसेस करके, आप सिर्फ छोटे से रियलिटी को यानी छोटे से वर्तमान को, छोटे से इस दुनिया के सिर्फ़ एक एस्पेक्ट को एक टाइम पे देख पाते हो। पूरा दुनिया का माया आपको पता नहीं चलता है। जब आपका तीसरा आँख पूरी तरह खुल जाता है, तीसरा आँख पहले धीरे से बंद रहता है, थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, वो है ब्रह्मा। जब दोनों आँखें खुल जाती हैं, तीसरा आँख थोड़ा और खुलता है, वो है विष्णु। जब आंखें बंद होती हैं और तीसरा आंख पूरा खुलता है, वो है शिवा। ठीक है, तो ब्रेन एक फिल्टर है, ये याद रखिएगा। धन्यवाद।